हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, कैसे आपको कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है क्वेश्चन में करने में, और मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, हर चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है। तो लेट हमारे पास ये कोई ग्राफ है ना, और ये ग्राफ जो है किसी ओपन इंटरवल ए और बी के अंदर बन रहा है, राइट। तो इस ग्राफ की अगर मैं वैल्यू देखूँ, इस ग्राफ की अगर मैं बात करूँ, तो इस ग्राफ की एक मिनिमम वैल्यू है, राइट। कहाँ पे वो मिनिमम वैल्यू? इस जगह पे। तो इस जगह पे इसकी जो है वो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। और ये जो मिनिमम वैल्यू है वो किसी ना किसी पॉइंट पे है। लेट ये पॉइंट क्या है हमारा? सी। लेट ये पॉइंट क्या है हमारा? सी। तो अगर मैं देखूं तो इस ग्राफ की मुझे कुछ मिनिमम वैल्यू मिली है, जो सबसे छोटा हिस्सा होगा, जो मिनिमम वैल्यू होगी इसकी, वो ग्राफ की, वो यहाँ पे होगी, राइट। और ये किस पॉइंट पे मिली है? सी पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और इस पॉइंट के ऊपर जो इसकी वैल्यू होगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिनिमम वैल्यू। तो इस ग्राफ की जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे है, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जिस पॉइंट पे इसकी मिनिमम वैल्यू है उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। लेट हमारे पास एक दूसरा ग्राफ है इस तरीके से, और ये भी एक इंटरवल ए और बी के अंदर बना हुआ है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इस ग्राफ की एक मैक्सिमम वैल्यू हमें दिख रही है, किस जगह पे? इस जगह पे। तो इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसी ना किसी पॉइंट पे होगा, तो लेट ये पॉइंट सी पे है, है ना। तो इस पॉइंट सी को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, राइट। तो दो चीजें यहां से आपको क्लियर करनी है। मिनिमा का मतलब क्या होता है? मिनिमा का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहां पे किसी ग्राफ की वैल्यू क्या हो? मिनिमम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिनिमा। मैक्सिमा का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पे किसी ग्राफ की वैल्यू क्या हो? मैक्सिमम हो, ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलेंगे, ठीक है। अब मिनिमा और मैक्सिमा पता करने के हमारे पास टोटल चार तरीके होते हैं। अब चारों तरीकों को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से तरीके होते हैं। सबसे पहले मैं आपको नाम बता दूं, जो हमारे पास चार मेथड होते हैं मैक्सिमम मिनिमा बताने के। पहला होता है ग्राफिकल मेथड, यानी कि हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि किसी भी पॉइंट का मैक्सिमा कहाँ पर है और मिनिमा कहाँ पर है। दूसरा हमारा होता है रेंज ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन के हम रेंज की बात करेंगे और चेक करेंगे कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर जा रही है और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर जा रही है। रेंज का मतलब क्या होता है? कि कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, हमने ये वैल्यू डाली, ये वैल्यू हमें मिली है, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं किसी भी पॉइंट का मैक्सिमा कहाँ पर और मिनिमा कहाँ पर है। तीसरा जो मेथड है हमारे पास वो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इस वाले मेथड से, इसमें जैसे नाम से पता चल रहा होगा, इसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और उससे पता करेंगे कि किसी भी ग्राफ का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहाँ है और पॉइंट ऑफ मिनिमा कहाँ है। और चौथा जो हमारा वो है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। इससे भी हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पे कोई पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, कहाँ पे कोई पॉइंट मिनिमम दे रहा है। एक पांचवा मेथड होता है जो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है बट आप सीख सकते हो, इसको हम बोलते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये मैं बता दूंगा वैसे, लेकिन ये पेपर में आप नहीं कर सकते क्योंकि ये यूज़फुल है नहीं। हमें इन चार मेथड को यहाँ पे देखना है, राइट। बात समझ में आ गई? तो जल्दी से यहाँ तक नोट करो, हम आगे बात करते हैं। देखो, सबसे पहला मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड। हम कैसे ग्राफ देख के बता सकते हैं कि कोई भी जो फंक्शन है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, किस पॉइंट पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू है और किस पॉइंट पे उसकी मिनिमम वैल्यू है। ये चीज़ हम बता सकते हैं उस फंक्शन के ग्राफ को देख के ही, ठीक है। इसमें भी आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला एक होगा विदाउट इंटरवल, जिसमें कोई भी आपको इंटरवल नहीं दिया जाएगा, यानी कि बिना इंटरवल के क्वेश्चन होंगे। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो विद इंटरवल होगा, यानी कि उसमें आपको दो इंटरवल दिए जाएंगे कि इस इंटरवल के बीच में चेक करो किसी की मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। अब जो विद इंटरवल वाले क्वेश्चन होंगे वो भी दो तरह के होते हैं। एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, ये इंटरवल के बारे में आप क्लास 11th के अंदर पढ़ चुके हो, और एक होता है ओपन इंटरवल। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। तो ग्राफिकल मेथड कैसे यूज़ करना है, कैसे क्वेश्चन करना है, मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल लेके।
जैसे एनसीईआरटी बुक का हमारा एग्जाम्पल है, जैसे एनसीईआरटी बुक का हमारा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 26। ये बिना इंटरवल वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 26 हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, तो हमारे पास ये एक फंक्शन दिया हुआ है, हमें बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर देखोगे तो इंटरवल हमें नहीं पता, यानी कि एक्स की जो वैल्यू हो सकती है वो कुछ भी हो सकती है रियल नंबर में, और हमें बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे, राइट। अब ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले आपको क्लास 11th के सारे ग्राफ आने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम एफ एक्स को वाई लिख सकते हैं, तो ये वाई इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। क्लास 11th में हमने क्या सीखा था कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो तो ये एक पैराबोला होता है और इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, राइट। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो इसका ग्राफ जो होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो कुछ इस तरीके से होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, राइट। अब हमें बतानी है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी। x की जो वैल्यू हो सकती है यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर मतलब कुछ भी, राइट। तो जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, 1 लेने पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 2 लेने पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो ये वैल्यू ऐसे बढ़ती जाएगी, लेकिन क्या हमें लास्ट की पता है कि लास्ट में इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, क्योंकि इसने हमें ग्राफ दिया हुआ है रियल नंबर और रियल नंबर हमें पता नहीं है कि कहाँ तक जाती है, राइट। तो हमें पता ही नहीं रियल नंबर कहाँ तक जाती है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी हमें पता ही नहीं कहाँ पर होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि रियल नंबर कहाँ तक होती है, इनफाइनाइट तक भी हो सकती है। तो इसका जो ग्राफ होगा ना वो ऊपर की तरफ जाता ही रहेगा, और कहाँ तक जाएगा इसका हमें पता नहीं, क्योंकि इसने हमें कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ तो इसका कोई भी रियल मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, नो रियल मैक्सिमम वैल्यू, राइट। लेकिन अगर मैं इसके मिनिमम वैल्यू की बात करूँ तो मिनिमम वैल्यू ये ग्राफ कहाँ पर दे रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो सबसे कम वैल्यू जो आ रही है इसकी वो इस जगह पर आ रही है, और ये क्या होता है, ओरिजिन। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है तो कहाँ आ रही है, जीरो पे आ रही है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो हमने बता दी, जीरो पे आ रही है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगी, क्योंकि इसने हमें क्या दिया हुआ है कि जो एक्स है वो रियल नंबर से बिलोंग कर, और रियल नंबर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट। तो इसलिए हमें नहीं पता इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, बट हमें पता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, इस जगह पर होगी। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसके लिए हम यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं छोटा सा। इसी क्वेश्चन को, एग्जांपल नंबर 26 को, मैंने बोला एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये हमें दिया हुआ है, और x की जो वैल्यू है वो 1 से 2 है, और ये क्लोज इंटरवल में है। तो इस समय मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब ग्राफ बनाते समय ध्यान देना, इसने हमें इंटरवल दे दिया, यानी कि हम x की वैल्यू जो है वो 1 रख सकते हैं और 2 रख सकते हैं। तो जब 1 और 2 हम x की वैल्यू रख सकते हैं तो ये माइनस वाला तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम x की वैल्यू माइनस में नहीं रख सकते, इंटरवल हमें क्या दिया हुआ है, 1 और 2 का इंटरवल दिया हुआ है, तो माइनस वाला तो काम खत्म। उसके बाद मैं x की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ और 2 रख सकता हूँ। जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, डेट इज 4। x की वैल्यू 1 रखी तो 1 आ गया, 2 रखी तो 4 आ गया। इसके बाद का ग्राफ हमारे किसी भी काम का नहीं है, ठीक है, और इससे पीछे का ग्राफ भी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो हमें वैल्यू लेनी है वो कहाँ से कहाँ तक लेनी है, सिर्फ 1 से 2 तक की वैल्यू लेनी है। तो इसका जो हमारा ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ, ठीक है, और ये क्लोज इंटरवल है तो ये क्लोज इंटरवल में होगा। अब इसकी अगर मैं तुमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछूं कि बताओ भाई मैक्सिमम वैल्यू ये कहाँ पर दे रहा है, तो कोई बच्चा देख के बताएगा भैया इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस जगह पर है, ये वाला इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 4 आ रही है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। इसकी अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूँ तो मिनिमम वैल्यू यानी यहाँ पर देखोगे सबसे छोटा वाला वैल्यू ये है, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। तो ये जो होगा ये क्या होगा, इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा, और पॉइंट ऑफ मिनिमा पर इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 2। आगे बात समझ में। तो क्वेश्चन के अंदर अगर हमें इंटरवल दिया हुआ है
तो हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ को उस इंटरवल के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे जो इंटरवल हमें दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि मान लो इंटरवल जो है वो ओपन हो तो फिर कैसा होगा। इस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और जो हमारा इंटरवल है वो 1 से 2 दिया हुआ है, बट यहाँ पे ये ओपन इंटरवल है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ये हमारा पैराबोला हो गया। एक्स की जो वैल्यू है 1 और 2 के बीच में है, तो ये नेगेटिव हमें लेना नहीं है, नेगेटिव खत्म हो गई, बात खत्म है ना। हमें 1 नहीं लेना तो हम 1 नहीं ले रहे। तो मान लो यहाँ पर 1 है तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, है ना, और कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, यानी कि इस जगह तक जाएगा। क्लास 11th में आपको बताया था कि जब हम ओपन इंटरवल हो तो ये ओपन सर्कल से दिखाते हैं, तो ये हमारा क्या ओपन इंटरवल है, राइट। अब मैं पूछूं कि बताओ मुझे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो इस ओपन इंटरवल के अंदर अगर देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ पे भी कहीं हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। हमें नहीं पता यहाँ पे कि मैक्सिमम वैल्यू है कहाँ पे, क्यों, क्योंकि हम दो से पहले बहुत सारी वैल्यू होती है, राइट। जैसे 1.99 भी होती है, 1.9999 भी होती है, 1.9999 चलती रहती है। तो हमें नहीं पता कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे जाएगी। ऐसे में इसके मिनिमम वैल्यू की बात करूँ तो हमें नहीं पता इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, क्योंकि हमें ये और ये तो इंक्लूड करना नहीं है। अब इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, 1 और 2 की बात करें तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। अब हमें नहीं पता उसमें मैक्सिमम कौन सा होगा और मिनिमम कौन सा होगा, क्यों, क्योंकि हमें 1 तो लेना नहीं है और 2 नहीं लेना, तो इनके बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट नंबर्स के बीच में हमें नहीं पता कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी और मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, इसीलिए इस जगह पे ना इसकी रियल मैक्सिमम वैल्यू है और ना इसकी रियल मिनिमम वैल्यू है, इसीलिए इस फंक्शन का ना ही मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही मिनिमम वैल्यू है। तो ये मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड से किसी भी ग्राफ का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, राइट। इसको जल्दी से नोट करो, एक क्वेश्चन में और करवाता हूँ इस ग्राफिकल मेथड पे। जैसे बुक का एग्जांपल नंबर 27 है, एग्जांपल नंबर 27 हमसे कह रहा फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो मोड एक्स दिया हुआ है और एक्स की जो वैल्यू है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रही है, यानी कि इसमें कोई इंटरवल हमें नहीं दे रखी है, राइट। इसमें अगर इंटरवल देता है तो सेम इसी तरीके से हम इसको डील करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बिना इंटरवल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू में मोड एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं मोड एक्स का ग्राफ बनाऊं, तो ग्राफ मोड एक्स का बनाना मैंने आपको सिखा रखा है, नहीं सीखा तो कोई दिक्कत नहीं, देख लो। यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है मोड एक्स वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक। एक हो जाता है एक्स की वैल्यू जब 0 से ज़्यादा होती है और एक्स की वैल्यू जब 0 से कम होती है। मोड का काम होता है किसी भी चीज़ को पॉजिटिव कर देना। अगर ये 0 से ज़्यादा है तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसमें तो कोई काम ही नहीं होगा। लेकिन अगर ये 0 से कम हो जाती है तो मोड उसको क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा। जैसे मान लो ये -5 है तो -5 को क्या कर देगा, मोड पॉजिटिव कर देगा। अब पॉजिटिव करने के लिए इस -5 के आगे हमें माइनस लगाना होगा, जिससे कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जैसे मोड एक्स, एक्स की वैल्यू अगर 0 से कम है तो इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ मैंने कैसे बताया था, जैसे 0 से ज़्यादा पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एक्स आ रही है। जैसे मैंने इसकी वैल्यू डाली 1, 2, 3, 1 डालूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। 2 डालूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ऐसे करके इसका ग्राफ ऐसा जाएगा, राइट। जब मैं एक्स की वैल्यू 1 डालूंगा, -1 डालूंगा, तो ये मुझे क्या देगा, वाई की वैल्यू +1 देगा, यानी कि इस जगह पे। देखो ना, एक्स की वैल्यू अगर -1 डालूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -2 डालूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, राइट। अब हमें बतानी है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी। तो अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहूँ, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू देखते हैं। हम जानते हैं ये जो ग्राफ है इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कहीं आ रही है, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, एट 0। 0 पे इसकी मिनिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है। इसके अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें नहीं पता ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा, क्योंकि रियल नंबर दिया हुआ है, हमें नहीं पता कि ग्राफ कहाँ तक जाएगा, इसलिए इसका कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। हम लिखेंगे नो रियल मैक्सिमम वैल्यू। अब इसको अगर हम किसी इंटरवल के अंदर रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो उसको पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है, जैसा मैंने आपको करवाया है। तो आई होप आपको ये ग्राफिकल मेथड समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा
एक जो नया मेथड है हमारा दूसरा रेंज ऑफ फंक्शन, उस मेथड को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, है ना। और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।